निर्गमन। इजरायली लोग मिस्र देश से निकल के बहुत खुश होती ही लोग अब गुलामी में नहीं होती और ही प्रतिज्ञा के देश में जात होती। जो कई भी इजरायली लोग ना उनने मांगी, मिस्री लोग ना उनने उनके वो सब कुछ दे, यहाँ तक कि सोना और चांदी और सब कीमती चीज भी। दूसरे देश ना उनके कई लोग ना उनने परमेश्वर पे विश्वास करी और जब इसराइली लोग मिस्र देश से निकली तो ही भी उनके संग हो लेन। दिन के समय में बादल को एक बड़ो खम्बा उनके सामुर सामुर चलीस और रात के समय में हु आगी को खम्बा बन गई। परमेश्वर जो हु बादल के खम्बा में और आगी के खम्बा में होतीस हमेशा उनके संग होतीस और उन्हें यात्रा करते वक्त उनकी अगुवाई करीस। उनको सिर्फ इतनो करनो होतीस कि ओके पीछे चले। थोड़े समय के बाद फिरौन और ओके लोग ना उनने अपने मन को बदल दे ही इसराइली लोग ना उनको दोबारा से अपने गुलाम बनानो चाहत होती। एक गुना उनने इसराइली लोग ना उनको पीछा करीन। यो परमेश्वरच होतीस जेने उनके मन को बदल देतीस। उन्हें असो एक गुना करीस काया की हु चाहत होतीस कि हर कोई जान लेत कि फिरौन से और मिस्री लोग नाउन के सपाई देवता नाउन में से हु यहोवा ज्यादा शक्तिशाली है। जब इसराइली लोग नाउन ने मिस्र देश की सेना को पीछे आते देखिन तो उनको मालूम भईस कि ही फिरौन की सेना और लाल समुन्दर के बीच में फंस गईन। ही बहुत डर गईन और रोन लगीन, हमने मिस्र देश को काया छोड़ेन, हम मरण वाले हन। मूसा ने इसराइली लोग ना उनसे कहीस डर नो, बंद करो, परमेश्वर आज तुम्हारे गुना लड़े और तुमको बचाए। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहीस ही लोग ना उनको लाल समुन्दर के किना सामूर बड़न के गुना बोल। फिर परमेश्वर ने हु बादल के खम्बा को लेके इसराइली और मिस्री लोग ना उनके बीच में रख देस ताकि मिस्री लोग इसराइली लोग ना उनको देख नहीं पाए। परमेश्वर ने मूसा से समुन्दर पर अपनो हाथ बढ़ान के गुना कहीस कि परमेश्वर ने हवा से समुन्दर के पानी को बाए और डाई के किना करवा देस जेके से समुन्दर से होय के एक रास्ता बन गईस। इसराइली लोग अपने दोई किना पानी की दीवार नाउन के संग सूखी जमीन पे समुन्दर से होय के सामूर बढ़ गईन। तब परमेश्वर ने वो रास्ता से बादल को उठा लेस ताकि मिस्री लोग इसराइली नाउन को बच के जाते हुए देखे। मिस्री नाउन ने उनको पकड़न के गुना उनको पीछा करन को फैसला ले। एक गुना उनने समुन्दर के माध्यम से वो रास्ता पे इसराइली नाउन को पीछा करीन, मगर परमेश्वर ने मिस्री लोग नाउन को घबरा देस और उनके रथ नाउन को अटका देस। ही चिल्लान लगीन भगो, इसराइली लोग नाउन के किना से परमेश्वर लड़ रहीस है। सपाई इसराइली समुन्दर के दूसरे किना पहुंच गईन। तब परमेश्वर ने मूसा से कहीस कि हु फिर से पानी पे हाथ बढ़ाए। जब मूसा ने असो करीस तो पानी मिस्री सेना पे आ पड़ीस और अपनी साधारण दशा में हो गईस। सपाई मिस्री सेना डूब गई। जब इसराइली लोग ना उन्हें देखिन कि मिस्री लोग मर गए होतीन तो उनने परमेश्वर पे विश्वास करीन। उनने विश्वास करीन कि मूसा परमेश्वर के किना से भविष्यवक्ता होतीस। इसराइली लोग एक गुना भी बहुत आनंदित भइन काया कि परमेश्वर ने उनको मरण से और गुलाम होन से बचा ले होतीस। अब ही परमेश्वर की आराधना करन और ओकी आज्ञा पालन करन के गुना आजाद होतीन। इसराइली लोग नाउन ने अपनी आजादी को उत्सव मनान के गुना और परमेश्वर की प्रशंसा करन के गुना कई गीत नाउन को गाइन काया कि ओने उनको मिस्री लोग नाउन की सेना से बचाए होतीस। परमेश्वर ने इसराइली लोग नाउन को
हर साल एक त्योहार मनान को आज्ञा देस। यो याद करन के गुना की कसो परमेश्वर ने मिस्री लोग ना उनको हराइस और उनको गुलाम होन से आजाद करीस। यो फसा को त्योहार कहलाइस। एके में उनको असो त्योहार मनान के गुना एक भले चंगे मेमना को बलिदान करनो होतीस, ओ को भूंजनो होतीस और ओ को बिना खमीर की रोटी के संग खानको होतीस।